एक्सेसिव एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों 2020 में आईपीओ की बरसात हुई है और इसमें रूट मोबाइल, हैप्पीएस्ट माइंड, बर्जर किंग, ग्रोसरी बायोटेक, ग्रैंड फार्मा, एंजल ब्रोकिंग, ऐसे कई सारे आईपीओज आए हैं मझगांव डॉक। और आईपीओज के थ्रू निवेशकों को बहुत पैसा मिला है, बहुत पैसा कमा के दिया है इन आईपीओ में। जैसा रूट मोबाइल ने लिस्टिंग गेन 217% का दिया था, बर्जर किंग ने 125%, हैप्पीएस्ट मोबाइल ने 933%। और अभी दोस्तों एक बहुत बड़ा आईपीओ इस साल का आने वाला है और उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, IRFC। इसका IRFC का आईपीओ दोस्तों आने वाला है और ये इस साल का बहुत बड़ा आईपीओ है। तो इस आईपीओ के ऊपर हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट क्यों इस आईपीओ को लाना चाह रही है और क्यों इस कंपनी को पब्लिक करना चाह रही है, इसके ऊपर पूरा चर्चा करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक बने रहना पड़ेगा। पूरा डिटेल में आपको बताएंगे इस कंपनी में सब्सक्राइब करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, कंपनी में क्या स्ट्रेंथ है, आईपीओ की डिटेल, कंपनी के वीकनेस, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ये लिंक दिया गया है, एंजल ब्रोकिंग इंडिया का फुल सर्विस ब्रोकर है, उसमें जाके आप ये लिंक को क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, सिटी डालेंगे, आपको OTP आएगा, OTP डाल के आगे प्रोसेस करेंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कहीं कुछ दिक्कत होगा तो हमसे आपको हेल्प मिलेगा। जीरो ब्रोकरेज ऐसा दोस्तों फर्स्ट 30 डेज के लिए और डिलीवरी जीरो है, 100% फुल लाइफ टाइम के लिए। तो आप एंजल ब्रोकिंग के साथ जा सकते हैं, इंडिया का फुल सर्विस ब्रोकर है दोस्तों एंजल ब्रोकिंग। अब हम डिस्कस करेंगे IRFC के बारे में। तो IRFC ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, ओन बाय इंडियन गवर्नमेंट, और ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, NBFC आप जानते ही होंगे। और ये अपने आप में एक अलग कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करती है दोस्तों। तो इस कंपनी में आप देखेंगे तो ये पूरा रेलवे का जो भी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेल कोचेस हो गया, वर्कशॉप हो गया, ऐसा कुछ भी बनाना है, कोई भी प्रोजेक्ट्स करना है, रेल लाइन बिछाना है, तो उसको फंडिंग करती है। तो ये इसका काम है। तो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, 1986 में एस्टेब्लिश हुई है दोस्तों। और इसका लगभग इंडियन गवर्नमेंट का जैसा 2019 का हम कंपेयर करेंगे तो 2019 में जो रेलवे का एक्सपेंडिचर था 1334 बिलियन का था, उसमें से 525.35 बिलियन अकाउंट करता है जो IRFC ने फाइनेंस किया है, लोन जो लगभग 40% के आसपास है दोस्तों। तो ये है IRFC के बारे में छोटी सी जानकारी। और इस IPO में और इनके हैप्पीएस्ट माइंड्स हो गया, बर्गर किंग हो गया, रूट मोबाइल होगा, इसमें से और इस कंपनी में क्या सिमिलैरिटी है बोलेंगे तो अपने अपने सेक्टर में मतलब ओनली वन कंपनी इस टाइप का बोल सकते, ये उस टाइप की कंपनी है। जैसा हैप्पीएस्ट माइंड हो गया, उसमें उसका बिजनेस मॉडल में हैप्पीएस्ट माइंड ओनली सिंगल कंपनी है, वैसे ही IRFC सिंगल कंपनी है। ऐसे ही बर्गर किंग हो गया, वो भी रूट मोबाइल हो गया, ये कंपनी अपने आप में एक अलग कंपनी है, इसलिए उसको मैं हैप्पीएस्ट माइंड रूट मोबाइल के साथ कंपेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए दोस्तों। अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों ये आईपीओ ओपन हो रहा है 18 जनवरी 2021 को और आईपीओ क्लोज होगा 20 जनवरी 2021। इस आईपीओ है बुक बिल्ट इश्यू है और फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर। आईपीओ प्राइस बैंड काफ़ी अट्रैक्टिव है, 25 to 26 रुपीज़ पर शेयर है। रिटेल इन्वेस्टर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करने वाला प्राइस बैंड है। जहाँ तक रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनका माइंड में फर्स्ट माइंडसेट रहता है कम प्राइस यानी अच्छा है शेयर है, तो उस धारणा से भी रिटेल इन्वेस्टर को ये कंपनी अट्रैक्ट करती है। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो मार्केट लॉट है 575 शेयर्स, तो अगर आपको
आईपीओ में अप्लाई करना है तो 575 शेयर्स मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 575 है। इसका लिस्टिंग बीएससी और एनएससी दोनों में होगा और ये है फ्रेश इशू और अपर पार्सल, ये दोनों कंबाइन करता है। तो फ्रेश इशू है लगभग 4633 करोड़ के आसपास का वैल्यू उसमें हो रहा है और ऑफर फॉर सेल है उसमें दोनों का इशू साइज है 4633। दोस्तों दोस्तों ये इशू लगभग 178 करोड़ शेयर्स का है और फ्रेश इशू है 118 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 59 करोड़ से, यानी इसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रेश इशू है 3089 करोड़ के आसपास और ऑफर फॉर सेल है 1544 करोड़ के आसपास। और ये हो गई इसका इशू साइज के बारे में चर्चा। दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स मिनिमम वन लॉट अप्लाई कर सकते हैं यानी 14,950 रुपीज़, मैक्सिमम 13 लॉट यानी 7475 शेयर्स, उसके लिए 1,94,350 का ये रहेगा। दोस्तों इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनर है और गवर्नमेंट का अभी 100% होल्डिंग है और पोस्ट आईपीओ गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग रहेगा 86%। अब इशू का ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, तो ये ऑब्जेक्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है और ये इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है इसमें। तो ऑफर फॉर सेल जैसा कि हमने बताया 59.4 करोड़ शेयर्स का ऑफर फॉर सेल है और इससे जो पैसा राइज होगा वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएगा, ये कंपनी को कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो फ्रेश इशू है 178.2 करोड़ का, इसका जो पैसा आएगा वो कंपनी के बिजनेस ग्रोथ के लिए लगाया जाएगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए लगाया जाएगा। तो ये पैसा एग्जैक्टली कैसे आईआरएफसी यूटिलाइज करता है उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन इसका रोड मैप आपको जल्दी पता चलेगा आईआरएफसी की तरफ से। तो ये है आईआरएफसी का आईपीओ का ऑब्जेक्ट दोस्तों। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में। तो कंपनी ये है इंडिया के रेलवे में ग्रोथ लाना है, इंडियन गवर्नमेंट को आईआरएफसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करना पड़ता है क्योंकि वही सोर्स है इंडियन रेलवे का फाइनेंस के लिए। और ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है कंपनी का क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट डिपेंडेंट है आईआरएफसी के परफॉर्मेंस के ऊपर। आईआरएफसी का मनी बोरोइंग मॉडल भी बहुत अच्छा है दोस्तों और इंडस्ट्री रेट के साथ मैच करता है। आईआरएफसी का एसेट लिक्विडिटी मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है, गुड क्रेडिट रेटिंग है, क्रिसिल ट्रिपल A1 रेटिंग है दोस्तों और इक्राम ट्रिपल A1 रेटिंग है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लगातार अच्छा है और एक कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल फॉलो करता है और आईएफसी का मैनेजमेंट भी स्ट्रांग है। तो सभी पॉजिटिव है, किस बात की इसमें कोई चिंता नहीं है। तो इसमें डेफिनेटली एक सब्सक्राइब करने के लिए चांस बनता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसके फाइनेंस के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी का जो रिवेन्यू की बात करेंगे तो ये रिवेन्यू आप देखेंगे तो कंपनी का रिवेन्यू 9 करोड़ में बात करेंगे 9,207 करोड़ था मार्च 18 में और वो हो गया 10,987 करोड़ इन मार्च 19 नेक्स्ट ईयर में। उसके बाद हो गया 13,421 करोड़ और अभी हाफ ईयरली में हो गया 7,384 करोड़। तो इससे ग्रोइंग कंटिन्यूस ग्रोइंग यहाँ पे दिख रहा है, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है कंपनी का, मॉडल में ग्रोथ दिख रहा है, एसेट्स राइजिंग है और एसेट का भी आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का एसेट और यहाँ पे कंपनी का एसेट लगभग डबल के आसपास दिख रहे हैं। अब बात करेंगे कंपनी का प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी का प्रॉफिट 2018 में 2000 करोड़ था, उसके बाद 2139 करोड़ हो गया, उसके बाद 3192 करोड़ हो गया और अभी हाफ ईयर में 1886 करोड़ हो गया, यानी यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, लगभग डबल प्रॉफिट होने का चांसेस है इस कंपनी का, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अभी दोस्तों इस कंपनी का वीकनेस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे बोले थे क्योंकि ये कंपनी में ये सब फैक्टर्स देखने से काफ़ी अच्छा दिख रहा है और डेफिनेटली ये कंपनी सब्सक्राइब करने के लिए
अच्छा है, बड़ा लॉट साइज है, बहुत बड़ा आईपीओ है, तो आईपीओ को अलॉटमेंट मिलने का भी चांसेस है, काफ़ी काफ़ी पूरी पूरी संभावना है। तो अभी आपको यहाँ पे वीकनेसेस क्या रहेगी दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 2021 का लक्ष्य है, 2.1 ट्रिलियन डॉलर डिस इन्वेस्टमेंट, 2.1 ट्रिलियन का डिस इन्वेस्टमेंट का टारगेट है। और डिस इन्वेस्टमेंट में ये कंपनी काफ़ी सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज को बेच रहा है, और इवन रेलवेज को भी प्राइवेट कर रहा है, रेलवे कुछ कुछ रेल रूट्स को भी प्राइवेट किया है, जैसे साउथ इंडिया में कुछ कुछ रेल रूट को ऑलरेडी प्राइवेट प्लेयर को दे दिया है। तो ये थोड़ा सा चिंता वाला सिचुएशन आगे चल के बन सकता है, अगर कंपनी को ये गवर्नमेंट का डिसीजंस में कुछ ये चेंजेस आते हैं और इंडियन रेलवे का प्राइवेटाइजेशन में तेजी आती है, तो उसमें ये मोनोपोली बिजनेस का ऊपर थोड़ा डाउट बन जाता है आगे चल के दोस्तों। बाकी प्रेजेंटली कंपनी का प्राइस बैंड है 25-26, काफ़ी अट्रैक्टिव है। ईपीएस करंटली 3.6x है, पी रेशियो 7.2 है, 7.2x, तो जो कि काफ़ी अपने आप में काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें कोई पीयर ग्रुप कंपनी नहीं है, इसलिए किसी के साथ डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हो सकता दोस्तों, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो 7.2x पी रेशियो बहुत अच्छा होता है, तो आपको सब्सक्राइब करने में यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो ये इसी अपडेट के साथ मैं इस वीडियो को ये समाप्त करता हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।